नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीकेश वर्मा। छत्तीसगढ़ में दरअसल फिल्म आती है और फिल्म चली जाती है, लेकिन इस दौरान एक ऐसी फिल्म आई है जो ठंड के मौसम में आपको गर्मी का एहसास करा रहे हैं। और गर्मी का एहसास क्यों रहे, हम बातचीत करेंगे इस फिल्म के डायरेक्टर मृत्युंजय सिंह जी से। आप सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं मृत्युंजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज पर। जी थैंक यू सो मच और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले ये बात करूंगा मैं आपसे, छत्तीसगढ़ी में बात करना कंफर्टेबल समझेंगे कि हिंदी में? देखिए मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। तो थोड़ा उधर सरगुजिया चलता है, सरगुजिया चलता है, छत्तीसगढ़ी उतनी। हाँ। मतलब अगर मैं बोलूंगा तो थोड़ा अटक सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखा हूँ जिसमें आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं स्टार्ट हिंदी से किया था। जी जी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कोशिश की थी छत्तीसगढ़ी बोलने की, बट मैं अटकने लगता हूँ, तो इससे अच्छा लगेगा कि हिंदी में ही बात करें। लेकिन बात कर रहे हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में कहा था कि एक फिल्म आई है जो ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास करे। फिल्म का नाम बताएंगे और कैसे उस फिल्म को आपने सोचा कि मुझे ये फिल्म करना है? देखिए गर्मी के एहसास वाली जो बात है इसलिए है इस फिल्म में, क्योंकि सबसे पहले तो इस फिल्म का दौर बताता हूँ कैसे शुरू हुआ ये फिल्म। तो ये फिल्म की शुरुआत हुई जुलाई में, मैं और मेरे राइटर फ्रेंड हम दोनों बैठे हुए थे। मुंबई में ठीक ठाक काम चल रहा था, लेकिन हमने शुरू से ही सोचा था कि कुछ छत्तीसगढ़ के लिए करेंगे, कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाएंगे। कब बनाएंगे ये नहीं सोचा था। जब स्टार्ट में हम लोग शुरुआत हम 2014 जब हम लोग मुंबई गए थे, तो कहीं ना कहीं जहन में था कि एक छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाएंगे, पर कब कैसे किस हालात में ये नहीं मालूम था। तो इसकी शुरुआत इसी साल 2022 में हुई, जुलाई के महीने में, जब मेरा एक प्रोजेक्ट चला था धर्मा का। तो वो मतलब किसी कारणवश अप एंड डाउन चल रहा था, तो मुझे भी बहुत अजीब लगा कि अरे यार कब तक। फिर एक समय सही समय आया जब राइटर फ्रेंड जो है हमारे, उन्होंने बोला कि नहीं अब फिल्म बनाने का समय आ गया, करते हैं। फिर उन्होंने एक कंसेप्ट सोची और हम लोगों ने बैठ कर डिस्कस किया, और उसी दौरान हमारी इस फिल्म में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारी इस फिल्म की कि एक टीम है, हमारी टीम जब हम डिस्कस ही कर रहे थे तभी हमारी टीम में डीओपी भी आ गए, और डीओपी इस फिल्म की एक फीमेल है जिनका नाम आरुषि बागेश्वर। जी आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, और वो भी इस टीम की एक हिस्सा थी। बट जैसे ही हमारा डिस्कशन चालू हुआ तो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, मतलब कहानी की शुरुआत हुई और वहां से इंक्लूड थी। तो हम तीनों ने मिलकर इस एक स्क्रीन पे लिखा, जिसमें कॉन्स्टेंट जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बहुत ही प्यारा स्क्रीन पे लिखा, बहुत ही प्यारा, मतलब इंगेजिंग, कहीं से कुछ भी लूप होल नहीं, कहीं से कोई गलतियां नहीं, क्योंकि थ्रू आउट बैठते रहे मतलब हर रात, क्योंकि उनका उस समय कपिल शर्मा शो चल रहा था, तो वो दिन में टाइम दे पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। तो रात में जब भी बैठते थे हमारे साथ डिस्कस होता था, फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर बढ़ता गया। बट जब सिचुएशन आया ऐसा कि टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने कपिल शर्मा शो छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें इस फिल्म को अच्छा करना था, और उन्हें क्या हमें इस फिल्म को अच्छा करना था। तो फाइनल डिसीजन लिया कि अब इसको छोड़ दिया जाए कपिल शर्मा शो को। फिर उन्हें स्क्रीन प्ले लिखा, फिर डायलॉग लिखा, ऐसे जानी चालू हुई। डायलॉग लिखा, कहा स्क्रिप्ट लिखा, आप कैसे इतना बेहतरीन डायरेक्शन सीख गए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में कई डायरेक्टर आए लेकिन फिल्म नहीं चल पाया। एक दो डायरेक्टर है जिनकी फिल्म लगातार हिट होती रही है, लेकिन सबके लिए अचरज का विषय है एक फिल्म और इतना बढ़िया डायरेक्शन, राज क्या है इसमें? देखिए वर्क एक्सपीरियंस कर लीजिए, ये सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं है, मेरे पूरी टीम का काम है जो इसमें आपको डायरेक्शन दिख रहा है। क्योंकि मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो मेरे लिए सिर्फ इसमें ही काम था, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे छत्तीसगढ़ी इतनी अच्छी आती नहीं, फिर भी मेरे फिल्म में आपने छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छी सुना होगा। इस फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट यही था कि थ्रू आउट शूट पे राइटर हमारे साथ थे, उनके कान में हमेशा हेडफोन लगा रहता था, क्योंकि पूरी छत्तीसगढ़ी उनको बहुत अच्छी आती है, तो सुनते थे कि क्या बोला क्या नहीं बोला, कहाँ गलत है क्या सही है। और जो डीओपी हैं उनका काम था कंप्लीट फ्रेम, मैं सच कहूँ तो कभी कोई शॉट बताया ही नहीं, होता है ना डायरेक्टर अपना शॉट बताता है कि आप यहाँ कैमरा रख लो यहाँ, कभी जरूरत नहीं पड़ा, बस मैंने उनको ये बताया कि ये सीन है जो ऑलरेडी वो जानती थी। सबसे अच्छी बात है कि प्री प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा था, प्री के टाइम पे ही हमने शॉट डिवीजन कर लिया था। और उससे पहले क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा स्क्रीन प्ले कंप्लीट हुआ, सितंबर का मंथ था वो, तो सितंबर में हम लोग पूरी टीम, मैं डीओपी और कॉन्स्टेंट जो राइटर हमारे, वो हम लोग आए छत्तीसगढ़। राइटर हमारे कॉन्स्टेंट जो है वो यहीं कसडोल से हैं। तो जब वो स्क्रीन प्ले लिख रहे थे तो उनके जहन में था लोकेशन ऑलरेडी,
क्योंकि वो वहीं से हैं, उनको मालूम था क्या क्या लोकेशन, जैसे करण अर्जुन एक सेट है, ठीक है, बलार डेम है, कसडोल का मार्केट है, गिरतपुरी मार्केट है, वो जैसा हमें वी मोड़ चाहिए था वैसा वी मोड़ चाहिए था, हमारे फिल्म में वी मोड़ है, और जैसे लड़का लड़की घर चाहिए था वैसा उनके विजन में था कि उधर मिल जाएगी चीज़ें। तो पहले स्क्रीन पे लिखा, फिर यहाँ आए सितंबर में, 5 से 6 दिन की टेक रेकी हुई, लोकेशन रेकी, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं लोकेशन हंटिंग, ढूंढा, जैसा लिखा था जैसा सोचा था क्या वैसा मिल रहा है या नहीं। हम तीनों मिले, तीनों आए हुए थे यहाँ पे, ढूंढना चालू किया, नहीं तो भी मुझे लगता है कि 120 130 लोगों से हमने देखा होगा, पास पास ही, ऐसा नहीं बहुत दूर दूर, कसडोल के आसपास ही, पर मुझे लगता है कम से कम 100 तो पार ही होगा, अराउंड 150 हो सकता है। इसमें से लोकेशन देखे और सबका लिस्ट बनाया, लिस्ट बना के फिर मुंबई चले गए। फिर मुंबई देखो, सारे लिस्ट को हमने परफेक्ट बैठाया कि हाँ लड़की घर ही हो सकता है, लड़के घर ही हो सकता है, ये बी मोड हो सकता है, ये रोड हो सकता है। उसके बाद भी हमें कुछ लोकेशन नहीं मिले थे, लड़की घर से हम सेटिस्फाई नहीं थे। फिर फाइनली जब बात आई टेक रेकी की, उसके बाद डायलॉग लिखना चालू किया, स्क्रीन प्ले लिखने के बाद रेकी किया, रेकी के बाद 70% हमारा लोकेशन फाइनल हो गया, फिर डायलॉग लिखा गया। उससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा कि जब हम डायलॉग लिख रहे थे, राइटर हमारे जब डायलॉग लिख रहे थे, तो उन्हें वो करेक्टर दिखने लगे थे उस लोकेशन में। जैसे मैं रूम फाइनल कर लिया तो मुझे मालूम है कि हम तीन लोग बैठ के कैसे बातें कर सकते हैं, तो ये उनको दिखने लगा, तो उस तरीके से बहुत आसान होगी उनके लिए भी विजुअल को समझ पाना, और मेरे लिए आसान हो गया कि मैं करेक्टर समझ पाता था कि कौन कहाँ बैठा होगा, कौन कहाँ खड़ा होगा, क्योंकि मुझे घर दिखने लगा। हमारे डीओपी के लिए आसान हो गया कि उनको लोकेशन दिखने लगा, तो उन वो तो टेक रहे कि जो फर्स्ट रेकी, उसमें फ्रेम बना के हमें दिखाने लगे थे, देखो ऐसा फ्रेम बनेगा यहाँ पे, देखो ऐसा फ्रेम बनेगा यहाँ पे, और फ्रेम तो बहुत कमाल का हमारा। ये तो हो गया, आपने फिल्म के लिए रेकी कर लिया, हाँ लेकिन जब फिल्म आप बनाने के लिए सोचे, जहन में था कि फिल्म बनाना है और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाना है, तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों का रेकी किया था आपने? हाँ बिल्कुल किया कौन था। कौन से ऐसे फिल्म है जिसको आपने देखा है और किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत मिला आपको? देखिए, मैंने सीखने के पर्पज से मुरछैया भैया देखी थी, जो कि बहुत ही प्यारी फिल्म है, सतीश सर ने बहुत ही अच्छा बनाया है। माया मैंने ये भी फिल्म देखी थी, मुझे बहुत पसंद आया था। तो और मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, इससे इतना चीज समझ में आ गया था कि जो टारगेट ऑडियंस है मेरी, छत्तीसगढ़ की जो ऑडियंस है, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उन्हें दो तीन चीजें बहुत पसंद आती है, एक कॉमेडी, दूसरा आपका इमोशन, मतलब जिसमें कहानी है, जिसमें फैमिली ड्रामा है, वो बहुत पसंद आती है। तो ये हमारा रेकी था, हमने, मैं अकेले नहीं देखा हूँ, मैं, हमारी पूरी टीम ने देखा है, डीओपी, राइटर और मैं, हम तीनों साथ में बैठ के पूरी फिल्मों को देखे हैं, एनालाइज किए हैं, हमने पढ़ा है, उसके बाद जाकर के लिखने का काम चालू हुआ है, उसके बाद जाकर के जो चीज़ें, तो एनालाइज तो किया है। एनालाइज किया आपने और इसी का परिणाम है कि ले चलूं अपन द्वारी जो फिल्म है उसमें देखने मिल रहा है, मायने का है। ले चलो अपन दारी का मायने, हाँ एक लड़का एक लड़की से बड़े प्यार से कहता है कि मैं तुझे अपने दरवाजे पर लेके आऊंगा, एक शादी, मतलब मैं तुझे अपने दरवाजे पर लेके जाऊंगा। एक लड़की का सपना होता है कि दुल्हन के गेटअप में एक लड़के घर तक जाए उसके साथ, और आपने दरवाजे पे देखा है कैसे लोटे को, मतलब जो परंपरा है कैसे लड़की का घर के अंदर स्वागत होता है, तो लाइन का मतलब वही है कि लड़का बड़े प्यार से कह रहा है कि तुझे मैं अपने घर लेके जाऊंगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, आप भी उसको पब्लिक के सामने नहीं लाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़, मैंने फिल्म देखा तभी आपसे पूछ रहा हूँ भाई, कि फिल्म में बहुत सारी ऐसी बात है जो तो सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की भी इसमें सक्षम है, तो क्या लेखक ने उस चीज़ को टारगेट किया है, क्या वो वास्तविकता में वो कहानी है, फिर कहानी बनाया गया उसको? देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, आई थिंक हमारे टीम को भी लगता है और राइटर जो दोस्त उनको भी लगता है कि इस फिल्म में कोई भी अगर देखेगा तो कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट करेगा। तो ये किसी से हमारी रियल स्टोरी नहीं हो सकती, लेकिन हर किसी से कनेक्टेड स्टोरी है। मैं आपको जानता हूँ तो मैं आपके लाइफ में जानता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी मेरा तो आपका लोग दोस्त पसंद कर है, रहे हैं। ठीक है, तभी लोग पसंद कर, राइट। तो हमने देखा है, आस पास चीज़ों को ऑब्जर्व किया, छत्तीसगढ़ से पले बड़े हैं तो छत्तीसगढ़ के संस्कार संस्कृति को जानते हैं, और ये भी हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ें अभी तक बदली नहीं है और क्या बदल चीज़ें गई। बदल गई है, क्या चीज़ों का बदलना बाकी है और क्या चीज़ें गलत बदली है। तो उसी चीज़ों को संभालते हुए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे राइटर दोस्त ने इस मतलब फिल्म को दीवार बनाया, को तोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरी ये बड़ी बात है कि इंटर कास्ट की बात किया जाए, मानता हूँ सोच बहुत अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन क्या समाज उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर आप किसी भी समाज में जाएंगे, समाज का मुखिया होते हैं, मुखिया ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर ये पूरी फिल्म को बनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, आपने अगर फिल्म देखी होगी तो हमने किसी समाज को, हमने किसी जात पात को टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ एक
इंसान को पकड़ रहा है कि आप और मैं एक इंसान है, एक लड़का और एक लड़की इंसान है, जिसमें एक फिल्म में एक डायलॉग आपने सुना होगा कि जात पात से ज्यादा बड़ा ना कंफर्टेबिलिटी होता है, कि मैं आपके साथ कितना कंफर्टेबल हूँ। मेरा दोस्त कोई भी कास्ट का हो सकता है, ठीक है, मेरे आसपास के लोग कोई भी कास्ट हो सकते हैं, जब मैं उनसे कंफर्टेबल हो सकता हूँ, अगर मेरा विचारधारा आपसे अच्छा मिलता जुलता है, तो विचारधारा का खेल है। सुकून बहुत जरूरी चीज़ है जीवन में, एक सुकून होना। अगर मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ तो मैं बहुत सुखी हूँ, और अगर आपके साथ खुश नहीं हूँ तो आप कोई भी हो, मैं हमेशा दुखी रहूंगा। सही, बहुत तो अच्छा मैंने है। किसी धर्म, किसी जात या हम लोगों ने किसी इस चीज़ को टारगेट नहीं किया है। हमारा बस उद्देश्य यही है कि जो सही चीज़ें, जो सही तौर तरीके है, जो सही सोच को ला सकता है, वो हम एक बार कोशिश किए दिखाने की। तो आपको सुकून मिल रहा है, ले चलो अपन दुआरी बना के। बहुत बहुत सुकून मिल रहा है मुझे जी। सुकून की बात हुआ है तो बात वहाँ तक ले चलते हैं, क्योंकि लगातार फिल्म अब सिनेमा घर तक पहुँच चुका है और लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर देख रहे हैं। अच्छाइयाँ तो हर कोई गिनाते हैं, कि कहते हैं कि दर्शक आप हमें बताइए कुछ कमी है तो सुधार करेंगे। आपको लगा कहीं कमी? क्या जी बिल्कुल लगा, कमी लगा? मुझे ही नहीं लगा, मेरी पूरी टीम को कमी लगा। हम लोगों ने इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। हमारी पहली फिल्म थी तीनों की, ऑन सेट एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था। अभी तक जहां भी किया कोई ना कोई था, जैसे मैंने अभी इससे पहले छत्रसाल किया, आपका एक UP-68 है, वो एक वेब शो किया, तो वहां कोई ना कोई था, जैसे कोई ना कोई फर्स्ट डायरेक्टर थे, किसी के अंडर था मैं। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था जहां पे मैं इंडिपेंडेंट, या जो मेरे DOP हैं उन्होंने भी इंडिपेंडेंट एड फिल्म्स किए हैं, जो मेरे राइटर फ्रेंड हैं उन्होंने भी अपने फिल्म्स लिखे हैं, बट इंडिपेंडेंट नहीं था वो चीज़। तो इंडिपेंडेंट हमने जब फर्स्ट टाइम ये फिल्म शुरू की, ऑन सेट गए तो थोड़ा नर्वस भी थे सबके सब, क्योंकि पहली फिल्म थी, खुद का फिल्म था। इससे सीखी ये चीज़ कि क्या क्या गलती हमें नहीं करना है। जब हम ऑन शूट के बाद एडिट टेबल पे बैठे, तीनों बैठे हैं एडिट टेबल पे, हमारे एडिटर थे, हम चारों बैठते थे एडिट टेबल पे, वहाँ हमने गलतियाँ नोटिस की, तो हमें मालूम है कि हमने इस फिल्म में क्या क्या गलती की है, जो अगली फिल्म में हमें नहीं करना है। नहीं करना है, बिल्कुल अच्छी बात आपने कहा। अंतिम बात ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि मृत्युंजय साहू अब डायरेक्टर बन गए, नामी नामी डायरेक्टर बन गए, पहली फिल्म में पहला बड़ा धमाका आपने किया है छत्तीसगढ़ इन फिल्म इंडस्ट्री में। एक भी ऐसे डायरेक्टर नहीं है, एक भी ऐसे एक्टर नहीं है, एक भी ऐसे प्रोड्यूसर नहीं है जो आपकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। आपने इस फील्ड में आने के लिए कैसे चुना? जी देखिए, ऐसा है कि मतलब बचपन से तो कोई सपना नहीं था। मैं सच बताऊं तो मैं पढ़ने में बहुत बचना चाहता था पढ़ाई लिखाई से, मुझे पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है। तो आफ्टर 12th के बाद जब घर वालों ने प्रेशर डाला कि कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, कुछ करो कुछ करो, तो बोले इंजीनियर बन जाओ। मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की, मन था नहीं पढ़ने का, एग्ज़ाम भी दिए हुआ नहीं, फिर भी चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने। तो लास्ट में उस समय मतलब ऐसा लगा कि पढ़ाई तो होगा नहीं मेरे से, तो क्या किया जाए। तो मैंने घर वालों को बोला कि पढ़ तो नहीं पाऊंगा इतना ज़्यादा, मैं एयरफोर्स या इसकी नौकरी कर लेता हूँ जो सिविल सर्विस है। मेरा सपना था एयरफोर्स में जाने का, और एयरफोर्स ही जाने का, मतलब कोई ऐसा आर्मी और इस चीज़ का तो नहीं था, बट था एक फौजी बनने का था। एयरफोर्स तक मैंने ट्राई भी किया, इंटरव्यू में जाके छट गया, और उसके बाद फिर मैंने कोशिश नहीं की। फिर घर वालों ने बोला कि तू करेगा फिर क्या, तो मैं बोला मैं पढ़ाऊंगा, टीचर बन जाता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो मेरे बड़े भैया हैं, उनको एक चीज़ की एहसास हुई कि अरे यार ये एज अ टीचर बनेगा भी तो ट्यूशन पढ़ाएगा, और क्या देख रहा है अपने फ्यूचर में। तो उस समय उनके दिमाग में एक चीज़ थी, मैं बहुत TV देखता था, लेकिन मतलब इतना TV देखता था कि TV अगर मेरे सामने चल रहा है और मम्मी अगर पानी मांग रही है तो सुनाई नहीं देगा, सुनूंगा ही नहीं, मतलब मुझे सुनाई देता ही नहीं था वो चीज़, जो गलती भी थी। तो भैया वो समझा कि इसको टीवी वी मैंने इसमें बहुत दिलचस्पी है, तो बोले एक काम कर, तू आ जा घूमने रायपुर। मैं रायपुर आया, मेरे बड़े भैया रायपुर में रह रहे थे उसमें, जो उनकी इंजीनियरिंग की वो चल रहा था, फिर वो इरिना एनिमेशन लेकर गया थे बिलासपुर में। वहाँ गया मैं, तो वहाँ ना मुंबई की दुनिया दिखाई गई मुझे, जो काउंसलिंग कर रहे थे, तो मुझे बहुत पसंद आया। फिर क्या, भैया को मौका मिला, उन्होंने एक साथ 3 साल का फी पे कर दिया ताकि भागे ना छोड़ के, फिर मैं वहाँ फंस गया। फिर वहां से मेरी पढ़ाई, वहां से इंटरेस्ट चालू हो गया एरिना एनिमेशन में, एनिमेशन का कोर्स, फोटोशॉप, ये सारी चीजें सिखाई गई, फिल्म मेकिंग का हल्का नॉलेज दिया गया। फिर जब लास्ट ईयर आया तब मुझे समझ में आया कि करना क्या है। एनिमेशन मुझे करना था, बट कहीं ना ये डायरेक्शन वाली चीज मुझे अट्रैक्ट करती थी। एडिटिंग जब मैं सीख रहा था ना, तो मैं बहुत कम सीखा था, बट मुझे मजा आता था वो सीखने में। तो एरिना में भी शॉर्ट फिल्म होती थी तो मैं जाता था करने के लिए, किसी के अंडर कि हाँ सर बताइए क्या करना है, हाँ सर इसमें एक्टिंग भी करना है क्या, हाँ सर इसमें डायरेक्शन में एडी बन सकता हूँ क्या। जब मुंबई गया तो मुंबई कोई पहचान का नहीं था, ना मेरा ना मेरे राइटर दोस्त का,
मेरे राइटर फ्रेंड की सबसे अच्छी बात थी कि वो लिखते थे, उनके दिमाग पर चलती थी। तो वो ना एक दोस्त हैं उनके, फेसबुक पे कमल करके हैं, एक हर्ष लम्बाच्छी आप जानते होंगे वो हैं। उनको फेसबुक पे थ्रू आउट मैसेज करते रहते थे कि सर मैं आपको वशिष्ठ करना चाहता हूँ, या मैं अच्छा लिखता हूँ, या मैं पंच लिखता हूँ। तो फिर वो उनको बुलाया, फिर मैं गया, मैंने कोशिश की मुंबई में घुसने की, बट पहचान नहीं होने से बहुत कम लोग रखते हैं। सो जो राइटर फ्रेंड है मेरे, उन्हीं के थ्रू एक हरीश गाड़ी करके थे सॉरी राइटर, उनका नंबर मिला। मैं उनको कुछ दिनों के लिए उनके साथ उनको असिस्ट किया, लिखने का काम किया, बट मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो मेरे से होती भी नहीं थी। मेरे को जाना था डायरेक्शन में, तो एक रास्ता ढूंढ रहा था मैं, कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। तो फिर उन्होंने बोला कि एक टीवी सीरियल है जो जो मैं लिख रहा हूँ, तो जा सकता है उसमें, तो जाके असिस्ट कर ले। फिर वहाँ से मेरी सफ़र शुरू हुई 2015 में जून 31, मेरे को अभी भी आज 30 जून को कॉल आया था मेरे पास, और 2 जुलाई से मैं ज्वाइन किया था टीवी सीरियल एज ए इंटर्न, और फिर वही सफ़र शुरू हुआ है सर। सफर शुरू और सफर यहाँ तक आ चुका है, हाँ और इसके बाद और बहुत सारे पड़ाव आपको देखने मिलेंगे। लेकिन आपका जो लाइफ है, पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ता गया और कई स्ट्रगल आपने फेस किया। पढ़ाई में भी आप पूरे नहीं कर पाए अच्छे से, हाँ लेकिन सबसे बड़ी बात होते हैं जब इंसान संघर्ष के दौर से गुजरता है तो कोई ना कोई तो गीत उनके मन में रहता है। संगीत उनके मन को कहीं ना कहीं बांध कर एक अलग दुनिया में ले जाते हैं ताकि उसको हौसला मिलता है। आपके जहन में कौन सा संगीत गूंजता था, कौन सा गीत गूंजता था उस समय? ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर अभी पूछे तो मेरे दिमाग में तुरंत आया है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो ऐसा ही कुछ होगा वो भी शायद। देशभक्ति वाला बाकी थोड़ा से बाकी ऐसा कुछ तो नहीं कोई भी था। एकाध फिल्म। यार मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, गाने मुझे लिरिक्स बहुत नहीं याद रहते, मैं लिरिक्स में बहुत वीक हूँ, मतलब बहुत ही वीक हूँ। अगर आप मुझे 10 बार किसी गाने को सुना दीजिए और फिर बोले लिरिक्स गा के सुनाइए, तो मैं पक्का उल्टा सीधा गाऊंगा कुछ ना कुछ। और इसी कारण मैं दोस्तों में जाना भी जाता हूँ कि उससे गाना गवाना है, आ देखते हैं कैसे गाना गाता है। तो लेकिन दरअसल ये होता है कि डायरेक्टर होता है वो गाना नहीं गाते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा से इस इंटरव्यू के माध्यम से ताकि लोगों को भी लगे कि भाई ले चलो अपन दुआरे घेरे हैं, तो वहाँ हमला कुछ देखे ले मिली से सुने ले मिली से। तो आप अपन जो भी पसंदीदा गीत हुई वो सुना दो। यार ये तो बहुत खतरनाक सवाल है, सवाल नहीं है, फरमाइश फरमाई से मतलब सॉरी। है। अभी मेरे फिल्म में हमने यूज किया हिंदी गाना है एक, बट छोटा सा क्लिप हमने यूज किया बिल्कुल है। बिल्कुल। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, बस इतना ही है, इसके बाद पता नहीं इस बोल रहा देश का हूं। यारों क्या कहना और कुछ ले चलूं अपन द्वारे फिल्म कुछ ऐसी ही उत्प्रोत कहानी है जो सामाजिक समरसता को बनाने के लिए, लोगों की भावनाओं को जोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं समाज में जो दरार है, दीवार है, उसको तोड़ने के लिए और एक नया सोच, नए युग के लिए नया शुरुआत नए साल में किया है मृत्युंजय सिंह जी। ले चलूं अपन द्वारे जात जात दर्शक मैं कहा कुछ कहना चाहूँ। 13 जनवरी से फिल्म तो रिलीज हो गए काली से, और आज 14 जनवरी है। दर्शक मन का कुछ अपील को काबर की सिनेमा घर में तो फिल्म अलग है, अब सिनेमा घर तक दर्शक बन जाए पूरा छत्तीसगढ़ी में कोई दिक्कत नहीं, बता दो। से मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, विनती करूँगा कि आप लोग आइए सिनेमा थिएटर तक, आइए पूरे फैमिली के साथ आइए और इस फिल्म को देखिए। इस फिल्म में आपको सारी चीज़ें मिलेगी जो आप चाहते हैं। इस फिल्म में फुल पैकेज है, अगर आपको मैं बोलूँ तो 20% इंटरटेनमेंट है, 20% कॉमेडी है, 20% रोमांस है, तो वहीं 20% इमोशन भी है। तो आप आएंगे फैमिली के साथ। सबसे अच्छी बात इस फिल्म की है कि आप पूरे फैमिली वाले, आप अपनी बच्ची के साथ ही बैठ के देख सकते हैं, आप अपने बेटे के साथ ही बैठ के देख सकते हैं, अपने दादा के साथ भी देख सकते हैं, पूरी फैमिली पिक्चर है। तो रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग आइए इस फिल्म को, अपना प्यार दीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए, ताकि हम और आगे अपने भाषा को, अपने भाखा को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि हमारा, हमारे पूरे टीम का, हमारे पूरे ग्रुप का यही विचार है कि हम अपने भाषा को, हम अपने राज्य को बहुत आगे लेके जाएं। जैसे आज की डेट पे साउथ इंडस्ट्री जा रही है अपनी चीज़ों को आगे लेकर के, अपनी संस्कृति को आगे लेकर के, तो वही हमारा विचार है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल आइए और पूरे फैमिली के साथ आइए, ये मेरा वादा है कि आप लोग खुश होके जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर मृत्युंजय सिंह जी। ले चलूं अपन द्वारे फिल्म नवा साल में नवा दौर लेकर आया है और कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ा है।
और एक गोल्डन जुबली इतिहास में, छत्तीसगढ़ी फिल्म इतिहास में एक नया दौर, एक नया रास्ता बनाने का जो सिलसिला यहाँ से शुरू हो चुका है। और फिल्म में बहुत कुछ खास है, मृत्युंजय सिंह जी ने तो बताया है, अब देखने के बाद ही पता चलेगा। आप भी देर न करिए और जल्दी सिनेमा घर तक पहुँचिए, क्योंकि फिल्म 13 जनवरी से लग चुकी है और फिल्म तहलका मचा रहा है। तो देर किस बात की, जल्दी आप सिनेमा घर की ओर रुख करें।